दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ नई सुबह में नई खबर में। जी हाँ, सोचिए आप कहीं जा रहे हो अपने काम के सिलसिले से, काम का सिलसिला हो जाता है, काम अपना खत्म हो जाता है, उसके बाद आप घर की ओर लौट रहे हो और आपके पास आपकी पूंजी जो कि लाखों में हो और वो गिर जाए कहीं, काफी परेशान हो, सब जगह ढूंढने के बावजूद भी आपको वो पूंजी ना मिले, सोचिए आपके दिल पे क्या बीतती। जी हाँ, ऐसा ही एक किस्सा, ऐसी ही एक हकीकत कल साढ़ थाने क्षेत्र में हुई। एक व्यापारी जिनका नाम अभिषेक यादव बताया जा रहा है, वो व्यापार के सिलसिले से अपना वापसी लौट रहे थे, जब वो कुड़नी से, जी हाँ साढ़ थाना क्षेत्र कुड़नी से कानपुर के लिए वापसी लौट रहे थे, तो उनका पैसों से भरा बैग गिर जाता है और उस बैग में 1,000 नहीं 2,000 नहीं 1.5 लाख रुपए हो, तो सोचिए क्या बीती होगी उस व्यापारी के दिल में। बहुत कोशिशों के बाद समय लगभग 6 बज जाता है, उससे भी एक घंटे दो घंटे ढूंढने के बाद जब वो हतप्रभ हो जाता है, हताश हो जाता है, तो जी हाँ जब वो हताश हो जाता है तो वो पुलिस का सहारा लेता है। जी हाँ, वही पुलिस जो अक्सर वही थाना क्षेत्र जो अक्सर चर्चित विषय बना रहता है, कभी कभी वहां की दरोगा असली हरकतों में वायरल होते हैं, कभी कभी चर्चित मुद्दों में वायरल होता है। वो थाना क्षेत्र जिनके अब प्रभारी सतीश राठौर, जी हाँ सर, वह थाना क्षेत्र साढ़ थाना क्षेत्र जो चर्चा का विषय बना रहता है, उसके थाना प्रभारी ने जब पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख रुपए का वह बैग बरामद किया और सही सलामत सुपुर्द किया अभिषेक यादव का। अभिषेक यादव अपने मिली इस धनराशि जिससे वो हताश हो गए थे, जी हाँ सोचिए आपका 1 रुपए गिर जाए या 100 रुपए गिर जाता है तो हम लोग कितना हताश हो जाते हैं। उनका 1.5 लाख रुपए जो गिर गया था वो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई अपनी टीम के साथ करते हुए बिल्कुल चौकन्ने की तरीके उनका 1.5 लाख रुपए का वो बैग बरामद किया और सही सलामत व्यापारी को दिया। सुनिए व्यापारी के की जवानी। मिल गया आपको? जी सर, आपका जो पैसा गुम हुआ था पूरा 1-1 पाई आपको प्राप्त हो गया पुलिस के कार से। आप बहुत बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा हुआ। अब आपने देखा कि व्यापार के किस तरीके से अभिषेक यादव, जी हाँ अभिषेक यादव किस तरीके से पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पुलिस आलोचनाओं से घिरी भी होती है तो पुलिस का एक चेहरा ये भी है। बने रहिए आगे के लिए सच्ची खबर सच्ची सुबह प्रदीप मिश्रा के साथ।